हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है भाई, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और उस फ्लो चार्ट में फर्स्ट हेडिंग आती है रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए जीव को प्रोड्यूस किया जाता है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम पेरेंट्स की जैसा ही एक कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वन पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, फर्स्ट फीजन, सेकेंड फ्रिगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ बर्डिंग, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपागेशन और नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फीजन क्या होता है? फीजन होता है कि भाई इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और जो फीजन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाई मतलब टू और मल्टी मतलब मैनी। यानी कि बाइनरी फीजन तो होता है जिस जब पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड होगी तो बाइनरी फीजन कहलाएगा। जब पेरेंट सेल मैनी सेल्स में डिवाइड होती है तो वो मल्टीपल फीजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है फ्रिगमेंटेशन। फ्रिगमेंटेशन मतलब फ्रिगमेंट के द्वारा यानी कि खंडों के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा से रिन्यू होना। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कितने भी भागों में बांट दें तो वो फिर से नए ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आता है बर्डिंग। बर्डिंग मतलब बर्ड्स के द्वारा एक नए जीव को प्रोड्यूस करना। आगे आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है यानी कि प्राकृतिक होता है और ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से ही नए पौधे को प्रोड्यूस कराता है। कैसे? रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा। जो रूट्स के द्वारा होता है वो डहेलियस का एग्जांपल है, उसमें होता है। स्टेम के द्वारा जैसे कि जिंजर, जो अदरक होता है वो स्टेम के द्वारा होता है। लीव्स मतलब ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसी से नया प्लांट तैयार हो जाता है। और इसका जो आर्टिफिशियल मेथड होता है ये थ्री टाइप्स का होता है, फर्स्ट कटिंग, सेकेंड लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग। और इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। और जो फ्लावर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग अलग होंगे, और बाईसेक्सुअल मतलब यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही फ्लावर में प्रजेंट होंगे। अब जो फ्लावर होता है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेपल, सेकेंड पेटल्स, थर्ड स्टेमन एंड फोर्थ कार्पल। इनमें जो आपका स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का, और जो कार्पल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का। जो स्टेमन होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, फिलामेंट एंड एंथर। और जो कार्पल होता है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। नेक्स्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन बींग्स में। भाई ह्यूमन बींग्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें सेक्सुअल मेज्योरिटी होनी चाहिए यानी कि पबर्टी होनी चाहिए यानी कि वो एज होनी चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स में। नेक्स्ट आता है
भाई अब हम इसको चैप्टर को स्टार्ट कराएंगे। तो सबसे पहले है चैप्टर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में जो जो पॉइंट्स कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो अब हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं सेम अपने जैसी स्पीसीज का, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रिप्रोडक्शन अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस। भाई जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट, कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी लाइफ है वो कंटिन्यू होती है, यानी कि चलती रहती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, भाई जो हमारी जातियाँ हैं, जो हमारी स्पीसीज हैं उनको प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल, भाई जो हमारे डेड इंडिविजुअल है, मतलब जो मनुष्य जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उन्हें रिप्लेस करने का काम भी होता है। नेक्स्ट है रोल इन इवोल्यूशन, भाई जो इवोल्यूशन है उसमें भूमिका निभाते हैं। इवोल्यूशन मतलब जो भी परिवर्तन होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन एनिमल्स में, उनमें भूमिका निभाती है। आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। भाई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जैसी ही कॉपी कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आता है द हेरिडेटरी मटेरियल दैट स्टोर्स द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। भाई सभी जानते होंगे कि जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। जो भी एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि पेरेंट्स की जैसी ही बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जो स्ट्रक्चर में भी सेम हो और फंक्शन में भी सेम हो, वो सिर्फ डीएनए के थ्रू होती है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन आर इनकोडेड इन द सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और जो भी ये इंफॉर्मेशन होती है ये एक सीक्वेंस के रूप में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डीएनए के उनके द्वारा होती है, यानी कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, और 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन कौन से, एडिनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है डीएनए में। नेक्स्ट, द ट्रांसमिटिंग द करेक्टर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन प्रियोर टू रिप्रोडक्शन DNA forms its copies to be transferred to the newly formed cells। मतलब भाई जो करेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोडक्शन के दौरान, वो DNA की कॉपीज़ के द्वारा होता है, ट्रांसफ़र होता है जब नई सेल्स बनती हैं उनमें। नेक्स्ट हेडिंग आती है डीएनए रेप्लिकेशन। भाई डीएनए रेप्लिकेशन पे एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग बताएं तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि डबल होना। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें डीएनए मोलिक्यूल्स डबल हो जाता है या यानी कि उसकी कॉपी बन जाती है, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन, टू सेल्स रिसीविंग कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन पेरेंट सेल मे हैव वेरिएशन, दीज वेरिएशन आर कॉल्ड म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन क्या है, टू सेल्स रिसीविंग कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट, जब पेरेंट्स से डीएनए की जो कॉपी की जो दो सेल्स रिसीव होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है, और यही परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन कैसा, कि भाई अगर एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं तो उन दोनों जो होंगे उनमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वही डिफरेंस क्या होता है, उसका म्यूटेशन होता है, यानी कि वेरिएशन है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, द चांसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन कैन बी। भाई जो इंडिविजुअल है
ठीक है, जो नई जनरेशन है उनमें वेरिएशन के जो चांसेस होते हैं वो कब कब होते हैं भाई? एक तो रेप्लिकेशन के टाइम पे होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? रिप्रोडक्शन जो होता है मेन रूप से दो तरीके का होता है, यानी कि टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रोडक्शन जिसमें नए ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना सेक्सेस के इन्वॉल्वमेंट के प्रोड्यूस होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ दियर सेक्सेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन्स, फिश, फ्रॉग, हैन, कैट, डॉग, ईटीसी। यानी कि एक नए जीव को, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें जो सेक्सेस का यूज़ होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और उसमें क्या होता है, किस मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किन एनिमल्स में होता है? ह्यूमंस में होता है, फिश में होता है, फ्रॉग में, हैन, कैट, डॉग, एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? तो दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, एक साइड एसेक्सुअल लिखा हुआ है, एक साइड एसेक्सुअल लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एसेक्सुअल में वन पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, हैन, कैट, डॉग, और एसेक्सुअल में अमीबा, हाइड्रा, एक्सेट्रा। अब सबसे पहले आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने टाइप्स में बांटा गया है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेन सिक्स डिफरेंट मेथड्स हैं, फर्स्ट फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फर्स्ट आता है हमारा फीजन। इन द प्रोसेस ऑफ फीजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। फीजन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। यानी कि फीजन वो प्रोसेस है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है, फ्यूजन फीजन कहलाता है। और फीजन जो होता है वो दो तरीके का होता है, यानी कि टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट बाइनरी फीजन, सेकंड मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन, बाई मतलब टू, यानी कि बाइनरी फीजन इज पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म्स टू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि बाइनरी फीजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो नए ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है या दो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जैसे कि अमीबा। अब आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, अमीबा बना हुआ है, अमीबा का डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब बाइनरी फीजन होता है और ये जो डायग्राम है, यानी कि जो अमीबा का बाइनरी फीजन का जो डायग्राम है, एग्ज़ाम में हर बार आता है, ठीक है। डायग्राम आ जाए, दो नंबर में आ जाए, एक नंबर में आ जाए, डायग्राम मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अमीबा का बाइनरी फीजन होता है उनमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है या फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो आपका अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फीजन होता है और इस फीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। तो जो आपके सामने ए वाला पॉइंट बना हुआ है, यानी कि पेरेंट सेल बनी हुई है अमीबा की, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो ग्रो करने लगता है लंबाई में, और फिर नेक्स्ट
स्टेज में जाकर ये दोनों न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हुआ और नेक्स्ट स्टेज में जाकर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर सेल्स बना लेता है, तो इसलिए यानी कि वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं, इसलिए ये बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्यूजन। इन मल्टीपल फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फ्यूजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं एक ही समय में बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में प्लाज्मोडियम। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। आप देख रहे होंगे इसमें जो ए पॉइंट बना हुआ है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल और सिस्ट, यानी कि सिस्ट के रूप में बनता है। फिर इसमें धीरे धीरे जो सेल्स पहले उसमें बटनी शुरू हो जाती हैं और एक सेल से ये बहुत सारी सेल्स बना लेते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बडिंग। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बर्ड विच देन डिटैच एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा कोई भी प्लांट बॉडी अपने जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी में एक बर्ड्स के रूप में ग्रो करती है, और ग्रो करते करते जब वो किसी से लग जाती है या टूट कर नीचे गिर जाती है तो वही जो बर्ड्स होती है वही एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में तैयार हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम बना हुआ है, हाइड्रा रिप्रोड्यूसिंग बाय बडिंग। जो हाइड्रा होता है वो उसमें बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट डायग्राम है इसमें ईस्ट में भी बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इनमें जो डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ईस्ट का डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स के द्वारा एक नए प्लांट्स को बनना। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट प्लांट होता है उसमें सैकड़ों की संख्या में कुछ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हो जाती है जिनको स्पोर्स कहा जाता है। और जो ये स्पोर्स होते हैं जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं, और जैसे ही ये फट जाते हैं तो ये बिखर जाते हैं और फिर ये एयर के द्वारा एयरबोर्न होती हैं, एयर के द्वारा एक दूसरी जगह पर जाते हैं और उन्हें कुछ फेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं और वहाँ पर एक नए जो ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, जैसे कि जर्मिनेट हो जाता है और नए प्लांट तैयार हो। जैसे कि एग्जांपल इसका राइजोपस होता है, जैसे जो आपकी ब्रेड होती है, रोटी होती है, उस पर जो फुई लग जाती है उसको राइजोपस कहा जाता है। अगर हम उसी फुई को माइक्रोस्कोप में उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है जैसे कि ये बनी हुई है। और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे जब स्पोर्स जो होते हैं जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वो फट जाते हैं और वो नीचे बिखर जाते हैं, एयरबोर्न होते हैं, तो वो दूसरी जगह पर भी नए प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी के हम कितने भी पार्ट करें और उसका प्रत्येक जो पार्ट होता है वो एक फुल ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रीजनरेशन में प्लेनेरिया के अलावा और कौन सा एनिमल्स है जिसमें रीजनरेशन हो सकता है, तो वो हाइड्रा होता है। यानी कि हाइड्रा में आपका बडिंग भी हो सकता है और रीजनरेशन भी हो सकता है। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इसका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का भी डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ए पार्ट में देख रहे होंगे प्लेनेरिया का फुल डायग्राम बना हुआ है, फिर इसकी बॉडी के इन्होंने तीन पार्ट करे हैं और तीन पार्ट करने के बाद जब इसका रीजनरेशन हुआ तो तीनों ही पार्ट एक फुल ऑर्गेनिज्म के रूप में ये तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिगमेंटेशन। भाई फ्रिगमेंटेशन खंडों के द्वारा बटना,
ठीक है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं ये एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इंटू टू पीसीज ऑन मैच्योरिंग ईच, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के हम जितने भी पीस करते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म यानी कि कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को बाद में तैयार कर लेते हैं, इसको फ्रिगमेंटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा और शी एनिमोन। जो फ्रिगमेंटेशन होता है ये भी बिल्कुल रीजनरेशन की तरह ही होता है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट्स में होता है और ये दो तरीके का होता है, ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं के द्वारा नया पौधा बनता है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है प्लांट्स में उसमें जब नया प्लांट तैयार होता है तो वो ओल्ड प्लांट के पार्ट से ही तैयार होता है, जैसे कि स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, और बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो सबसे पहले ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम भी एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है, वो लीव्स के द्वारा होता है, स्टेम्स के द्वारा होता है, यानी कि ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसी से नया पौधा तैयार होता है। नेक्स्ट आता है मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो मनी प्लांट होता है जिसको आप घर में भी लगाते हो उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। उसमें क्या कर काम करते हो आप उसकी कोई भी ब्रांच को तोड़ लेते हो और उसे वाटर बॉटल में करके उसको रख देते हो, फिर वो ग्रो करने लगती है तो फिर उसको आप अपने ज़मीन में या गमले में लगा देते हो। नेक्स्ट आता है पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई जो पोटैटो होता है, पोटैटो में क्या होता है कि ट्यूबर्स होते हैं, मतलब उसमें छोटी छोटी सी आँख निकली हुई होती है जिनको उसकी आँख भी बोलते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा पोटैटो प्लांट में। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट होता है यानी कि ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट होते हैं उन्हीं से नया पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है। और कैसे, तीन इसके कॉमन मेथड्स हैं आर्टिफिशियल मेथड के, फर्स्ट कटिंग, सेकंड लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग। जो कटिंग होता है आप सभी जानते होंगे कि भाई रोज़ का प्लांट जो होता है, शुगर केन जो होता है, वो स्टेम कटिंग से ही नए प्लांट को तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लेयरिंग इन दिस मेथड ऑफ ब्रांच। भाई इसमें क्या होता है, आपने जैसे चमेली का पेड़ देखा होगा, चमेली का जो पौधा होता है उसमें लेयरिंग होती है। लेयरिंग कैसे, भाई कोई भी प्लांट लटका, कोई भी प्लांट जो है वो ज़मीन में है, उसकी कोई भी एक ब्रांच जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जब वो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो ज़मीन में नीचे गिर जाती है, तो जिस जगह से वो ज़मीन में गिरी हुई है वहीं पे मिट्टी की लेयर उसके ऊपर आ जाती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाता है और वो अपने पहले वाले प्लांट से अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड्स होता है जिसमें दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स ले लिए जाते हैं और उनके दोनों के स्टेम को कट कर लिया जाता है और एक दूसरे में उसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसे ऊपर वाले पार्ट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसे कुछ अलग मतलब रूट्स वाले पार्ट में जोड़ दिया जाता है, और जो रूट्स द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट्स इज कट, यानी कि जो स्टेम का, जो कट वाला स्टेम उस प्लांट का कट किया है उसको क्या कहा जाता है, स्टोक्स कहा जाता है, और जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको साइकन कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी भी प्लांट के दो पार्ट कट करते हैं, यानी कि स्टेम वाला पार्ट कट करते हैं, तो जो रूट वाला पार्ट होगा उसको क्या कहा जाता है, स्टोक कहा जाता है, और जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको साइकन कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है आपका ग्राफ्टिंग प्रोसेस। अब आगे आता है एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो आर्टिफिशियल एडवांटेजेस दी गई हैं आर्टिफिशियल मेथड्स की, सबसे पहले है द फ्रूट ट्रीज ग्रोन
ग्रोन फ्रॉम सीड्स मैनी टेक मैनी ईयर्स बिफोर दे स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स। भाई आपने जो फ्रूट्स वाले जो पेड़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका बीज जो है वो ग्रो करता है और फिर कुछ सालों बाद वही बीज एक नए प्लांट के रूप में, फल के रूप में तैयार हो जाता है। मतलब प्लांट के रूप में तैयार होता है और फिर उससे फल आते हैं और फल से ही एक नया प्लांट बनता है। नेक्स्ट आता है द प्लांट्स ग्रो बाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन। भाई जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो ये प्रोसेस होता है इसमें हमें इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इन दियर अर्ली ईयर्स देन द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड, और कभी ये क्या होता है बीज से ही एक नए पौधा बन जाता है। नेक्स्ट आता है मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर लिए जाते हैं एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को तैयार किया जा सकता है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में। नेक्स्ट आता है वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ये क्या होता है कि सीडलेस प्लांट को भी इसमें ग्रो कराई जा सकती है, यानी कि सीडलेस प्लांट होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में। नेक्स्ट हेडिंग आती है टिश्यू कल्चर। भाई टिश्यू कल्चर क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। भाई टिश्यू कल्चर एक वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स के एक छोटे से टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं उसके ग्रोइंग टिप से, ग्रोइंग पार्ट से, जहाँ पे मतलब किसी भी प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है उस पार्ट से उसका छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं और उसको कुछ सूटेबल ग्रोथ, यानी कि जिसमें वो सूटेबल हो ग्रोथ करने के लिए, ऐसे मीडियम में उसको रखा जाता है और ये मीडियम टिश्यू कल्चर कहलाता है। कुछ एडवांटेजेस हैं टिश्यू कल्चर की। फर्स्ट, टिश्यू कल्चर इज़ ए वेरी फास्ट टेक्निक। भाई बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्निक है। नेक्स्ट है द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। भाई इससे जो नया प्लांट बनता है टिश्यू कल्चर से वो डिजीज़ फ्री, यानी कि बीमारियाँ उसमें नहीं होती हैं। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट राउंड द ईयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। यानी कि जो टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है कि इसमें हम किसी भी प्लांट को उगाने के लिए, किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी वेदर सीजन ये चीज़ देखना नहीं ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेरी लिटिल स्पेस। ये बहुत ही कम स्पेस में तैयार किए जा सकते हैं एक नया प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। और टिश्यू कल्चर का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैनी प्लांट है। मैनी प्लांट की जो बेल होती है हम उसका किसी भी कोई भी पार्ट एक ग्रोइंग टिप, यानी कि ग्रोइंग पार्ट से कोई टिश्यू ले लेते हैं और फिर से मीडियम में रखते हैं। तो जो मैनी प्लांट होती है उसके किसी भी ब्रांच को आपने लिया और वाटर में रखा, यानी कि वो उसके लिए क्या है, एक सूटेबल मीडियम है, यानी कि जिसमें वो ग्रोथ कर सकता है। और जब वो ग्रोथ कर लेता है फिर हम उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। वो टिश्यू कल्चर का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग जो होती है सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स के कॉम्बिनेशन से होता है जिनको सेक्स सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है जाइगोट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल गैमेट्स फ्यूज विद ए फीमेल गैमेट्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से फ्यूज़ होता है, मतलब जुड़ता है और नए सेल्स बनाता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। और ये जाइगोट ग्रो करता है फिर डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में कुछ समय बाद तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेरेंट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट, द मेल
मेल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का जो मेल ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है, जो कि बनाता है मेल गैमिट्स बनाता है प्लांट्स में। और ये जो मेल गैमिट्स होते हैं ये इनमें प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो मेल गैमिट्स होते हैं मेल गैमिट्स में ही प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फीमेल ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, जो फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है उनको कार्पल्स कहा जाता है, जो कि फीमेल गैमिट्स बनाते हैं प्लांट में, और फीमेल गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ओव्यूल में। नेक्स्ट आता है द मेल गैमिट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स, जो मेल गैमिट्स होते हैं वो तो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स में, जो फर्टिलाइज होते हैं फीमेल गैमिट्स से, यानी कि फीमेल गैमिट्स से जुड़ते हैं। फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, एग सेल्स होती हैं, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, ओव्यूल में। फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, एग सेल्स का, एग सेल्स ग्रो करके ओव्यूल में बन जाती है, ओव्यूल में बदल जाती है, और फिर इसके बाद इसका बीज बनता है, सीड्स बनता है। द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट जर्मिनेट, और फिर ये बीज एक नए प्लांट के रूप में जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, भाई फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल्स, स्टैमन एंड कार्पल। तो सबसे पहले आता है रिसेप्टिकल, जो प्लांट होता है द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। भाई जो फ्लावर का जो बेस होता है जिससे प्लांट के सभी पार्ट जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, उसको रिसेप्टिकल कहा जाता है। यानी कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो उसका बेस है, उसको रिसेप्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेपल, सेपल क्या है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आपने देखा जहाँ पर रिसेप्टिकल है उसी के बराबर में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, और ये होती है आपकी सेपल्स। क्या होती है, सेपल्स। आगे आता है पेटल्स, द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, यानी कि फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैमन, स्टैमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और कार्पल जो होता है ये देखो आप इस जो आपका स्टैमन है ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जो येलो कलर के साइड में दो बने हुए हैं ये स्टैमन होता है। स्टैमन के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक फिलामेंट बताया था, एक एंथर बताया था। जो फिलामेंट होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, जो एंथर होता है वो ऊपर वाला, यानी कि जो ब्राउन कलर में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एंथर है, और जो रेड कलर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फिलामेंट है स्टैमन की। आगे आता है कार्पल, इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर देयर इज ए फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन, ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है फ्लास्क शेप का ऑर्गन होता है जिसको कार्पल्स कहा जाता है, जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और कार्पल के तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, जो कार्पल है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्टिग्मा होता है, जो उससे नीचे होता है स्टाइल, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल होती है, और जो गोल सर्कल वाली स्ट्रक्चर है उसको ओवेरी कहा जाता है। तो ये प्लांट्स के पार्ट थे। नेक्स्ट आता है आपको डायग्राम में एक स्टैमन की, जो एक यूनिक स्ट्रक्चर है स्टैमन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एंड कार्पल की, यानी कि ये दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले स्टैमन, स्टैमन का जो मैंने स्ट्रक्चर बताई थी वो सबसे ऊपर जो एंथर था, एंथर को अगर हम सेक्शन उसके काटते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखाई देती है, और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें चार पोलर, चार साइड में चार होल से बने हुए हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट ही पूरा आपका स्टैमन है। नेक्स्ट आता है कार्पल, कार्पल फीमेल पार्ट है, जो कि सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, उससे नीचे स्टाइल, एंड ये जो सर्कल में बना हुआ है ये बनी है इसकी ओवेरी, और ओवेरी में यानी कि जो एग सेल्स होता है वो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके अंदर है, और ओव्यूल में ही वो एग यानी कि फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो कौन से हैं।
द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि वो फ्लावर्स जिसमें केवल एक सेल्स ऑर्गन प्रजेंट होता है, यानी कि तो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो, यानी कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर होते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टैमन एंड कार्पल एक ही प्लांट में होंगे, जैसे कि हिबिस्कस गुड़हल का जो फूल होता है ना वो, मस्टर्ड सरसों का जो पौधा है तो वो भी बाईसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट आता है पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। भाई पोलिनेशन क्या है, भाई पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टैमन के एंथर से कहाँ पर, कार्पल के स्टिग्मा पर, ठीक है, कार्पल के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन कैन अकर्स इन टू वेज, यानी कि दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। आगे आता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब जो एक फ्लावर होता है उसी फ्लावर में जो स्टैमन होता है, स्टैमन का जो एंथर होता है वो एंथर पोलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना, वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। और क्रॉस पोलिनेशन इसका अपोजिट होता है, यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, वो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो ए वाला डायग्राम है वो सेल्फ पोलिनेशन का बना हुआ, यानी कि ये प्लांट है, बीच में आपका जो कार्पल है यानी कि स्टिग्मा है, और जो ये एंथर बने हुए हैं इस एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यानी कि ये सेल्फ पोलिनेशन हुआ। नेक्स्ट क्रॉस पोलिनेशन में क्या है कि जो बी वाले का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट डायग्राम है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये आपका क्रॉस पोलिनेशन हुआ। नेक्स्ट हेडिंग आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, भाई फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। आप जानते हो कि जो मेल गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स वो जॉइन होते हैं फीमेल गैमेट से जो कि प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, और जब पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल यानी कि कार्पल के स्टिग्मा पर भेज दिए जाते हैं यानी कि छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो ट्यूब है यानी कि जो स्टाइल है उसमें होकर वो नीचे ओवेरी तक पहुंच जाते हैं, और फिर मेल गैमेट्स नीचे मूव करने लगते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स के जो पोलन ट्यूब है उसमें वो मूव करने लगते हैं, और वो कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, ओव्यूल में, यानी कि ओवेरी का जो ओव्यूल होता है उसमें एंटर कर जाते हैं। फिर ये पोलन जो पोलन ट्यूब जो होती है ये ओपन होती है, और उसमें जो पोलन पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको वो कैरी कर लेती है। द ओवेरी द मेल गैमेट्स पोलन कंबाइन, और जो ओवेरी होती है वो मेल गैमेट्स यानी कि पोलन से कंबाइन जुड़ती है, और न्यूक्लियस जो फीमेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स से उस एग से जब जुड़ती है तो ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज एग बना लेता है, यानी कि फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया पौधा या नए बीज में वो तैयार हो जाता है। अब आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक डायग्राम बना, दो डायग्राम बने हुए हैं आपके, तो सबसे पहले एंथर ने पोलन ग्रेन्स को कार्पल के स्टिग्मा पर भेजा, और फिर वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टाइल यानी कि पोलन ट्यूब्स में को होकर स्टाइल में अभी आपके ओवेरी के ओव्यूल से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद फिर वहाँ पर ये इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद एक बीज में बन जाता है।
नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, भाई बीज का जर्मिनेट होना। द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जब कोई भी बीज ग्रोथ करने लगता है, ग्रोथ होनी उसकी शुरू होती है, तो वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहलाता है। सबसे पहले जो ए पॉइंट बना हुआ है उसमें सीड कोट जो है वो उतरना शुरू होता है, फिर प्लूमूल बनता है, ठीक है। और प्रीम्यूल के बाद क्या होता है, इसका जो नीचे वाला यानी कि रूट्स वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो रेडिकल होता है, ठीक है। और प्रीम्यूल ऊपर वाला पार्ट होता है, शूट ऊपर वाला यानी कि स्टेम और रूट्स नीचे वाला, ठीक है। फिर ये ग्रोथ करना शुरू हो जाता है, शूट जो है वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो रूट होती है वो लीव्स, वो जो रूट होती है उसकी वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज आपका जो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है वो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तक कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की होगी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मैसेज में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।